देखो पेज नंबर 3 में सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी, देखो फिजिक्स के अंदर कोई भी चैप्टर कर लो, पहले वो फोर्स से समझाएगा, फिर वो एनर्जी से समझाएगा, एनर्जी या वर्क डन से समझाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट फोर्स का चलता है, दूसरा एनर्जी का। फोर्स एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ग्रेविटी करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल एनर्जी, मैग्नेटिक करेंगे मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक एनर्जी। बस सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं। ऐसी सरफेस टेंशन की डेफिनेशन एक बार फोर्स से एक बार एनर्जी से। तो एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इस डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा। ऐसे सपोज आपने एक रिंग लिया और वो एक्सपेरिमेंट लेना जो बच्चे बबल्स फुलाते हैं, तो आपने रिंग को बबल में डाल दिया और उसमें सोप फिल्म आ गई। आप क्या चाहते हो, एक पाइप लगी हुई है, उस पाइप से आप एयर ब्लो करोगे और बबल का साइज बढ़ता जाएगा। मान लो एक ऐसी ट्यूब है जिसमें एक बबल है, एक बबल फूलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। तो आप इस बबल को बड़ा करने में क्या कर रहे हैं, वर्क डन। आप वर्क डन कर रहे हो, ठीक है, आप ऐसे हाथ से फोर्स नहीं लगा रहे, आप अपने एयर ब्लो करके फोर्स लगा रहे हैं, तो लेकिन आप वर्क डन जरूर कर रहे हैं इसमें। और वर्क डन किस में कर रहे हैं, आप वर्क डन कर रहे हो इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द बबल। तो इसमें एरिया से मेजरमेंट होती है, नॉर्मली हम डिस्प्लेसमेंट से लेते हैं, इसमें एरिया से हम कैलकुलेट करेंगे। क्या किया मैंने इसके अंदर, मैंने वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में मैं वर्क डन कर रहा हूं, और डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो कितना वर्क डन किया आपने एरिया को बढ़ाने में, डिवाइडेड बाय आपने कितना एरिया बढ़ा दिया। तो दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट एरिया। इसकी रेशियो को भी क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। ये भी सरफेस टेंशन है। तो अगर तो सरफेस टेंशन को फोर्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन अगर अगर आप वर्क डन की फॉर्म में करना चाहते हो, तो वर्क डन पर यूनिट एरिया। दोनों की रेशियो विल बी इक्वल टू लिक्विड की सरफेस टेंशन। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी का मैग्नीट्यूड आर सेम, यूनिट भी सेम, डेफिनेशन में फर्क है। तो बेसिकली मैं आपको एग्जांपल के साथ और समझाता हूँ कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगता कैसे है एक्चुअल में, प्रैक्टिकल समझाता हूँ कि प्रैक्टिकली कैसे एनर्जी लगानी है आपने। पहले डेफिनेशन समझ में आ गई यहाँ तक? तो दो डेफिनेशन याद रखोगे कि सरफेस टी की, बस फर्क ये है कि जब एनर्जी पढ़ते हैं इसको सरफेस एनर्जी बोल देते हैं, जब टेंशन फोर्स लगाते हैं सरफेस टेंशन बोल देते हैं। तो मतलब सरफेस, देखो सरफेस की ऐसे बोलना चाहिए, सरफेस की फोर्स सरफेस की एनर्जी। तो सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस की फोर्स, और वो क्या है, सरफेस की एनर्जी। सरफेस की फोर्स का नाम फोर्स को रिप्लेस किया टेंशन से, सरफेस की टेंशन सरफेस की एनर्जी। तो बात एक ही है, ठीक समझ में आ रहा है कि नाम कैसे रखे जा रहे हैं, सरफेस की फोर्स सरफेस टेंशन, सरफेस की एनर्जी सरफेस एनर्जी। करेगी करेगी, मैं अगला टॉपिक बताऊंगा, एक्सेस प्रेशर आएगा नेक्स्ट टॉपिक में, एरिया कम करने की कोशिश करती है वो, सही कह रहे हैं, आएगा उसको मैथमेटिकली अभी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बाद। देखो ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक बबल फूल गया और बबल जो है अपने एरिया को कम करने की कोशिश करेगा। बबल आप वर्क डन कर रहे हो, क्या करने के लिए, आप उसको फुलाने का काम कर रहे हो। तो आप जो वर्क डन करते हो ना, दो ऐसी चीजें हैं जो बबल को दबाने की कोशिश करती हैं, एक सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या करेगी, उसको एरिया को कम चाहती है कि मॉलिक्यूल पास पास जाएं और एरिया कम हो जाए, बबल छोटा हो जाए। तो उसके अगेंस्ट आपको वर्क डन करना है, आपको ज्यादा हवा मारनी पड़ेगी ताकि वो बड़ा हो जाए। और दूसरा एक और भी चीज है जो चाहता है कि बबल छोटा हो जाए, और वो क्या, एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेयर तो चाहता ही नहीं कि बबल फूले, एटमोस्फेयर तो सारा तो यही चाहता है कि वो दबा दे उसे और बस्ट कर दे, छोटा कर दे। अब अगला टॉपिक में डिस्कस करेंगे ये प्रेशर कैसे एडजस्ट होते हैं और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है।
चलो ब्रेक होगी। सरफेस एनर्जी का एग्जांपल सुनो फिर, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, और इसके ऊपर मेंस के ऊपर, आपके नीट के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके कंपटीशन में। मेंस का क्वेश्चन किस टाइप का आता है आपको स्टेटमेंट बताता हूं, लेकिन उसका टाइम नहीं आया, जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तभी करवाऊंगा। उसका लेवल थोड़ा सा ट्रिकी है, एक स्टेप ट्रिकी है। नीट का पेपर फॉर्मूला बेस्ड है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सीधी तरीके से सॉल्व होगा। जैसे क्वेश्चन आएगा, आपके पास एक टैप है, मेंस का एग्जांपल या एडवांस का एग्जांपल दे रहा हूं, एक टैप है, टैप में एक बूंद ड्रॉप एंड में लटका हुआ है। आप देखते हो वो एक बूंद नीचे गिरता नहीं, बस अब गिरा अब गिरा अब गिरा और ये गिर गया, ऐसा होता है ना, वो ड्रॉप बड़ा 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 होता है, फिर डिटैच हो जाता है, पानी रुका नहीं हुआ, बहुत ही हल्के लेवल से पानी आ रहा है, तो ड्रॉप बड़ा बड़ा होके फिर नीचे गिर जाता है, ऐसे होता है। तो मेंस और एडवांस के क्वेश्चन आते हैं कि बताओ जब ड्रॉप बड़ा हो रहा है तो क्या रेडियस होगा जब वो डिटैच हो जाएगा। ठीक, इस लेवल का क्वेश्चन मेंस और एडवांस के अंदर दोनों में बाउंड कहीं भी आ सकता है। एक छोटा बच्चा रिंग के साथ वो बबल फुला रहा था, एयर ब्लो कर रहा है, साइज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, साइज रेडियस क्या होगा बबल का जब, या तो वो बर्स्ट हो जाए या फिर वो बाहर निकल जाए। डिटैचमेंट पे ज्यादा आता है वैसे, डिटैच हो गया, बहुत क्वेश्चन एडवांस और मेंस में डिटैचमेंट पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, नीट में क्या आता है और मेंस में भी आ सकता है, ये दोनों में आता है ये, कि सपोज आपके पास एक ड्रॉप है, लेट अस सपोज आपके पास एक ड्रॉप है, बड़ा ड्रॉप है, आपने क्या किया, इस बड़े ड्रॉप को ब्रेक कर दिया छोटे छोटे ड्रॉप्स में, ऐसे कितने ड्रॉप्स में, एन ड्रॉप्स में, एन ड्रॉप्स में ऑफ रेडियस स्मॉल आर। इसको लिखना चाहो साथ साथ लिख सकते हो प्लीज, कहीं पर भी बुकलेट के अंदर लिख लेना, खाली पेज है एक बीच में, बीच में जगह है आगे को, हाँ पेज नंबर 15 पे जगह है, उस पर लिख लेना छोटा छोटा करके। तो लेट अस सपोज एक ड्रॉप है, आपने एन ड्रॉप्स में इसको ब्रेक कर दिया, तो ये बताओ कि आपको ब्रेक करने में वर्क डन करना पड़ेगा कि ड्रॉप खुद टूट जाएगा। अच्छा, मतलब आप उसके बाद घर जाके ड्रॉप गिरो कॉपी के ऊपर या प्लेट के ऊपर, फिर वेट करना ड्रॉप कब टूटेगा, अपने आप तो नहीं टूटेगा, करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, क्या करोगे, अपने फिंगर से उसे दबाओगे या जोर की ऐसे प्रेस करोगे तो वो उसके छींटे बन जाएंगे, ऐसा ही होगा। तो जब भी एक बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक होगा तो ऐसे केस में हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वी हैव टू डू वर्क डन। ठीक, लेकिन अगर छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं और अगर मैं उनको बस कॉन्टैक्ट में ले आऊं, बस इनकी इसकी मॉलिक्यूलर रेंज में आऊं, तो हम दोनों एक दूसरे को खींच लेंगे और बहुत सारे ड्रॉप एक बड़ा ड्रॉप अपने आप बना लेगा, तो मेरे को वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत सारे ड्रॉप्स को इकट्ठा रख दूंगा, बहुत पास रख दूंगा, वो इकट्ठा मिल जाएंगे अपने आप और क्या हो जाएगा, बड़ा ड्रॉप करना पड़ेगा, तो हमें वर्क डन करना नहीं पड़ता। जब ड्रॉप बनता है, बड़ा ड्रॉप बनता है, तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, उल्टा काम है। मैं रिपीट करता हूं, अगर बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप्स में तोड़ना है तो मान लो मुझे 10 जूल की एनर्जी देनी पड़ी या वर्क डन करना पड़ा, करना पड़ेगा वर्क डन। उल्टा सुन लो फिर, अगर वो ड्रॉप्स मिल गए, मिलेंगे अपने आप, तो मिलके वो अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करेंगे जिसकी वैल्यू फिर से 10 जूली होगी। तो इसलिए जब बड़े ड्रॉप बनते हैं, जैसे ही बनता है तो बड़ा ड्रॉप ना हिलता है, हल्का सा हिलेगा, मरकरी के ड्रॉप को जोड़ के देखना वो एकदम हिलेगा, हिलने का मतलब दे क्वायर काइनेटिक एनर्जी, तो वो एनर्जी कैसे बाहर आएगी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कैसे, पहला केस है अगर मैंने बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में तोड़ दिया, तो ये बताओ बड़े ड्रॉप का एरिया कितना है, 4πr², ठीक है, सरफेस एरिया, और इन छोटे ड्रॉप्स का टोटल सरफेस एरिया कितना है, 4πr² इंटू एन। ठीक, तो टोटल एरिया कितना हो गया, एन इंटू 4πr², कोई डाउट इसमें? हाँ, रेडियस आर इज कॉन्स्टेंट, छोटे ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर है। अब क्योंकि बड़ा ड्रॉप छोटों में ब्रेक हुआ तो वॉल्यूम की वैल्यू इनकी एग्जैक्टली क्या रहेगी, सेम, पानी के ड्रॉप्स हैं तो अंदर पानी है और लिक्विड है, तो सारा लिक्विड छोटों में ब्रेक हो गया तो आपके पास क्या आ गया, कैपिटल आर इज इक्वल टू एन रेज टू पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो यहां से स्मॉल आर एंड कैपिटल आर का रिलेशन तो आप निकाल ही लोगे,
तो जब भी ड्रॉप्स मिलते हैं या टूटते हैं तो वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, सेम। अच्छा सरफेस एरिया बताओ, क्या ये भी सेम रहेगा? इक्वेट कर दें, सरफेस एरिया भी सेम? नहीं, सरफेस एरिया सेम नहीं होता, वॉल्यूम सेम होता है। सरफेस एरिया में बोलो कौन बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा? राइट वाला बड़ा होगा, बिल्कुल सही। जब आप एंड ड्रॉप्स मिलाते हो ना, तो छोटे छोटे ड्रॉप्स का सरफेस एरिया जब ऐड करोगे, वो हमेशा बड़े ड्रॉप के सरफेस एरिया से बड़ा ही आएगा। ये रूल याद रखना, मैथ्स का रूल है, कि तोड़ने के बाद छोटे छोटे ड्रॉप्स का सरफेस एरिया बड़े ड्रॉप से बड़ा बनता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस केस में बड़ा ड्रॉप छोटों में ब्रेक हो रहा है? तो मैं इस केस में सरफेस एरिया को क्या कर रहा हूं? इंक्रीज। मैंने सरफेस एरिया क्या कर दिया? बढ़ा दिया। बढ़ नहीं गया, ये बड़ा होता है सरफेस एरिया में, छोटा है। तो मैंने वर्क डन किया क्या करने में? ड्रॉप के सरफेस एरिया को बढ़ाने में, इंक्रीज कर दिया। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो मैंने अभी आपको सरफेस टेंशन की एक डेफिनेशन करवाई थी सरफेस एनर्जी की फॉर्म में, क्या? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग दी सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। मान लो लिक्विड की सरफेस टेंशन टी है, तो ऐसे केस में वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? टी इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। वर्क डन क्या होगा? टी इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। वर्क डन विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन टी, और सरफेस एरिया फाइनल कितना है? इतना है, और पहले कितना था? इतना। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? अमाउंट ऑफ वर्क डन की। तो ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे आपको जिसमें यह पूछा जाएगा कि एक ड्रॉप को तोड़ने में कितना वर्क डन आपको करना पड़ा। तो आप क्या करेंगे? टेंशन को, सरफेस टेंशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन जो हमने लिखी, वो कैसे काम आ रही है, समझ में आ रहा है कि किन टाइप के न्यूमेरिकल्स में ये हेल्प करेगी आपको? तो जिसमें आपको एक ड्रॉप को ब्रेक करने का वर्क डन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? ठीक। देखो ये पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो। अगर सपोज करो केस नंबर टू, मेरे पास छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, मैं एरो चेंज कर रहा हूं, मैंने इन ड्रॉप्स को अब क्या किया? मिला दिया। मिलाने का मतलब सरफेस एरिया पहले ज्यादा था, मैंने सरफेस एरिया क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। फॉर्मूला वही रहेगा। तो ऐसे केस में वर्क डन नहीं बोलेंगे, हमने वर्क डन नहीं किया इसमें, हमने क्या बोला इसमें? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। यहां पर क्या आएगा? एनर्जी रिलीज होएगी इस केस में, और यहां इंक्रीज नहीं होगा, यहां पर डिक्रीज इन सरफेस एरिया। अब वर्क डन थोड़ा आएगा, इसमें क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। मैंने बताया क्यों, जब छोटे ड्रॉप बड़े ड्रॉप में मिलेंगे तो अपने आप मिल जाएंगे और एनर्जी को रिलीज कर देंगे। तो यहां से एनर्जी रिलीज्ड की जो वैल्यू आएगी वो यहां पर किसके इक्वल आएगी? इसके इक्वल आएगी, ठीक। या फिर एनर्जी रिलीज किसके इक्वल आएगी? डिक्रीज इन सरफेस एरिया देख लें एक बार। पहले एरिया इतना था, अब इतना हो गया, तो कम कितना हुआ पहले में से फाइनल को? फॉर्मूला सेम ही रहेगा, वैल्यू सेम ही आएगी इसमें, बस उसमें वर्क डन बोलते हैं, इसमें एनर्जी बोलते हैं, कोई फर्क ही नहीं। उसमें वर्क डन बोलेंगे, इसे एनर्जी बोल देंगे, ठीक। ठीक, तो ये लैंग्वेज समझ में आएगी न्यूमेरिकल्स में कि वो ऐसा क्यों बोलता है। किसी क्वेश्चन में कहेगा एनर्जी रिलीज निकालो, किसी में कहेगा वर्क डन निकालो, तो कैसे डिफरेंशिएट करना है, समझ में आ रहा है?
ठीक, क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब आगे इसका क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट पार्ट ये बनता है, एनर्जी रिलीज नहीं पूछेगा तो पूछ लेगा कि बताओ कितनी वेलोसिटी से बड़ा ड्रॉप अप मूव करेगा, जो भी एनर्जी रिलीज है उसको किसके इक्वल कर देना, हाफ एम वी, वेयर दिस इज मास ऑफ बिग ड्रॉप। तो यहाँ से जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें वेलोसिटी की वी की वैल्यू आएगी। एक स्टेप आगे कर दिया, बट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि किस टाइप के न्यूमेरिकल सरफेस एनर्जी से पूछे जाएंगे आपको इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक, और एक लास्ट टॉपिक करेंगे।